शूलिनी कबड्डी कमेटी द्वारा आयोजित ये कबड्डी टूर्नामेंट के अध्यक्ष अशोक ठाकुर जी, उपाध्यक्ष सुनील ठाकुर जी, सचिव मदन जी सुबह से हमारे बीच में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सबसे रूप में बैठे हुए हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम सोलन से राज्य स्तरीय शूलनी मेला के पहले दिन में हो रही कबड्डी टूर्नामेंट आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं और मुकुल देव रक्षपति और अमित पुंडीर आप लोगों के बीच में यहाँ पर पहले दिन की प्रतिस्पर्धा आपको लाइव दिखा रहे हैं और अभी जूनियर वर्ग के मुकाबले इस समय पर आप लोगों के बीच में चल रहे हैं। कुछ ही देर में स्टेज भी सज चुका है और यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी होंगी और वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं कि कबड्डी में किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हमारे लड़के कर रहे हैं। फिलहाल जो मैच चल रहा है जूनियर वर्ग पे, जैसे मैंने आपको बताया 50 के आसपास टीमें यहाँ पर बताई गई हैं और रेड यहाँ पर अभी जो मैच चल रहा है वो दो टीमों की है। एक अरे देखिए क्या बढ़िया पकड़ा है, एंकल होल्ड वहां पर किया और वापसी की कोई वहां पर उम्मीद ही नहीं छोड़ी। घंटी और औजघाट के बीच में हो रहा है ये जो मुकाबला आपको दिखा रहे हैं, स्कोर भी आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करेंगे धीरे धीरे जो जो यहाँ पे रहेगा। और आप देख सकते हैं प्रदर्शन जो यहाँ पर कबड्डी है, एक प्रोफेशनल बच्चों को पहली बार में आपको बता दे कि छोटे होते से यहाँ पर कबड्डी में लगा दिया जाता है ताकि अच्छा प्रदर्शन करे। सोलन, अरे क्या बात है, घेर लिया सभी को। क्या यहाँ पर लाइन टच तो नहीं हुई है? नहीं हुई है। अंक मिलेगा? अंक एक अंक मिल रहा है यहाँ पर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर अभी औजघाट की टीम घट्टी की टीम की साइड को यहाँ पर रेड देने के लिए गई है। तीन खिलाड़ी हैं, क्या यहाँ पर निकाल पाएंगे, अंक निकाल पाएंगे? समय यहाँ पर अब कम होता है, अब आपको पता है कि जिससे प्रो आ चुकी है जब से कबड्डी तब से रूल भी थोड़े से बदल चुके हैं और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सोलन जो है, अरे अपनी हाइट का फायदा उठाया, एक अंक अपनी टीम के लिए यहाँ पर निकाला है। गट्टी की टीम एक और अंक यहाँ पर अर्जित किया है औजघाट के रेडर यहाँ पर रेड देते हुए। अच्छा रेड है और गलती की यहाँ पर घट्टी के टीम के प्लेयर ने जल्दबाजी की, अंक मिलेगा औजघाट को। औजघाट के प्लेयर देखिए, मैं जैसे कह भी रहा था यंग प्लेयर हैं, अभी नए आते हैं और जब नए होते हैं तो अभी से यहाँ पर पौध, अरे प्रयास तो बहुत बढ़िया था, हाइट का भी फायदा मिला, सारी टीम को यहाँ पर ले गए, दो अंक यहाँ पर मिलेंगे और उसी के साथ औजघाट के प्लेयर अच्छी टेम्पो में है, फिर से आए हैं रेड देने के लिए। आठ नंबर खिलाड़ी, आठ नंबर की जर्सी में खिलाड़ी और चैलेंज बढ़िया यहाँ पर, अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर होता है, क्या अंक निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। समय का अभाव, थोड़ा प्रेशर था लेकिन खाली रेड, कोई अंक नहीं। और इसके बाद अगला जो मुकाबला है दोनों टीमें कोर्ट के साथ खड़े हो रहे हैं, उसके तुरंत बाद लास्ट टीम में का ये मुकाबला घट्टी के प्लेयर यहाँ पर औजघाट के, और देखे यहाँ पर समय को यहाँ पर खत्म किया लेकिन अंक यहाँ पर नहीं लिया, टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है। अमित पुंडीर जी की आवाज में अब अगली आप आवाज सुनेंगे। अमित जी, इस तरह की खिलाड़ियों की बात हम करें तो अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यंग खिलाड़ी हैं और प्रदर्शन अच्छा रहता है, यहीं से पौध बनती है आगे के बड़े खिलाड़ियों। जी मुकुल जी, आपने सही कहा, यंग जनरेशन है और कबड्डी की तरफ अगर स्पोर्ट्स की तरफ आ रही है तो बहुत बेहतरीन जगह पे आए हैं और ये मैच जो है घट्टी और औजघाट के बीच होता हुआ, अब देखते हैं कि इन दोनों में से आज की टीम कौन सी विजयी रहेगी। शूलनी मेले की आज पहली सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत थोड़ी देर के बाद हो जाएगी, आप जो है लाइव टाइम्स टीवी पर जरूर हमारे साथ जुड़े, पल पल की इन तीन दिनों की अपडेट्स आपको जरूर मिलेगी। जैसा कि आपको मुकुल जी ने बताया कि ये घट्टी और औजघाट के बीच मैच होता हुआ आप बिल्कुल लाइव हमारे साथ देख रहे हैं, आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये हमारी यंग जनरेशन है जो कबड्डी के जितने भी शौकीन
इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्या कहना चाहेंगे मुकुल जी? एक बात यहाँ पर अमित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दो साल के बाद इस तरह का कोई बड़ा आयोजन यहाँ पर सोलन में हुआ। इससे पहले भी हमारे बीच में एक मेला हुआ था, लेकिन जब हम टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो टूर्नामेंट्स की बात जब हम करें तो बच्चों के टूर्नामेंट्स या बड़ों के टूर्नामेंट, और जब राज्य स्तरीय कोई खेल प्रतियोगिता होती है, जैसे राज्य स्तरीय मेले की हम बात कर रहे हैं, तो इस राज्य स्तरीय मेले में आप देख सकते हैं कि जूनियर वर्ग है, सीनियर वर्ग है, महिलाओं के लिए अलग से है। थोड़ी देर पहले महिलाओं की यहाँ पर हो रही थी कबड्डी, कल कुश्तियां देखने को मिलेंगी। और यही नहीं है, शूलनी माता मेले की अगर हम यहाँ पर महिमा का गुणगान करेंगे, इस मेले को ऐसा कहा जाता है कि इस मेले में कोई भी आता है वो भूखा नहीं सोता, जगह जगह पर भंडारे लगते हैं। देखिए, तो इससे पता चलता है यहाँ पर अभी टाइम आउट जो खत्म हो चुका है और घट्टी की टीम के प्लेयर यहाँ पर ओजघाट के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, ओजघाट के खेमे में आकर अपनी रेड दे रहे हैं। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा लगातार। और क्या प्रदर्शन है, अंक निकाला है, एक ही अंक यहाँ पर मिलेगा और घट्टी की टीम यहाँ पर थोड़ी स्ट्रांग दिखती हुई। इतना जो हमारे बीच में जो प्लेयर्स हैं आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे बीच में जो प्लेयर है वो ओजघाट से घट्टी की साइड को गए हैं। अरे क्या बात है, हाथ वहां पर पहुंचा दिया। और कितने प्लेयर यहाँ पर निकले हैं भाई? सभी निकल गए हैं, चार अंक मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, ऑडियंस में अलग से उत्साह। ऐसे उत्साह को देखने से खिलाड़ियों का मनोबल बहुत बढ़ता है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और हमारा उत्साह तभी बढ़ता है जब आप इस लाइव स्ट्रीम के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। घट्टी के प्लेयर इस समय पर ओजघाट के खेमे में यहां पर रेड देते हुए, पूरी टीम के चार अंक इकट्ठे, चार खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। और देखिए अब यहां पर प्लेयर जो है वापिस, 25 ओजघाट है, 27 पर घट्टी है। हालांकि जो ओजघाट ने एकदम से पकड़ यहां पर बनाई है, घंटी गेंटी, ओके, थोड़ा नाम अलग अलग से घट्टी समझ रहे थे हम, इसे अलग टीम है ये। एक अंक यहाँ पर फिर से टाइम आउट के लिए इशारा किया है, समय समाप्त यहाँ पर, ये आप भी खत्म। अब अगले चरण में जाने के लिए नहीं, ये मैच खत्म हो चुका है, ये आखिरी स्कोर है हमारे बीच में। आपको अभी अपडेट करते हैं जी कि इसमें विजयी कौन रहा और इसके बाद कौन सी टीम का मैच होगा, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे सीधे सोलन ठोडो ग्राउंड से। इस मैच में जो है घंटी विजयी रहा है, ओजघाट को हार का सामना करना पड़ा। देखिए मैच है, हार और जीत का सिलसिला चलता रहता है, सिर्फ दो अंक से ओजघाट की टीम हारी है और दो अंक से घंटी की टीम विजयी रही है। आप इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करें सीधे सोलन ठोडो ग्राउंड से। हमारी टीम का एक ही लक्ष्य कि जितनी भी एक्टिविटी यहां पर हो रही है लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके सामने पहुंचे हैं। मुकुल जी, आप लोगों को सुबह भी यहाँ पर माता जी की डोली दिखाई थी, अब अगला मैच यहाँ पर होने वाला है, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक बार भीड़ यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप एक बार यहाँ पर देखिएगा कितने लोग हैं, अगले मैच जो अभी चलने को है हमारे बीच में, और वो आप लोगों को जरूर यहाँ पर दिखाएंगे। आप इस सारी जगह पर, भाई ने हमारे यहाँ पर स्टैंड ही उठा लिया है, लोगों को अगर आप देखेंगे तो खचाखच, तो दर्शक दीर्घा है वो भी खचाखच भरी हुई है, उसी के साथ जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है। पीछे की ओर पे भी मैं चाहूंगा एक बार कैमरा को जरूर मोड़ दें, और आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, लोगों के साथ उनके हुजूम को देख सकते हैं। और लगातार दो साल के बाद बड़े लेवल पर जो शूलनी मेला यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, उसके देखने वाला ही उसका जो ये उत्साह है वो बनता है। अगर आप भी सोलन से हैं तो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और शूलनी माता की जयकार जरूर यहाँ पर कमेंट्स के जरिए लगाएं, शूलनी माता का जयकार यहाँ पर लगाएं। और उसी के साथ स्पोर्ट्स के अगर आप प्रेमी हैं तो आपका बनता है कि इस स्ट्रीम को आप शेयर अवश्य करें। लाइफ टाइम्स टीवी की ओर से मुकुल देव रक्षपति और अमित पंडीर आप लोगों के बीच में, अगला मैच यहां पर होने की तैयारी में है। और पंडीर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी देखा लोग भी बहुत पहुंचे हैं और एक अच्छा मैच भी हमारे बीच में हुआ। दो अंकों से जीत कोई बड़ी जीत होती नहीं है, लेकिन बात अगर रहे तो जो 50 से आसपास हमारे पास टीम्स पहुंची हैं। 3 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा, लड़कियों का मुकाबला आखिरी दिन होगा, कल हमारे बीच में कुश्तियां भी होंगी, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। जब हम बात करते हैं, पेट शो भी है कल, तो हमारे डॉग शो या पेट शो इस तरह से कुछ है, तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत सारी गतिविधियां एक साथ ही लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको क्या कहना है कि इस तरह की गतिविधियां कितनी ज्यादा जरूरी है सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए, अगर लोगों का एक हुजूम देखा जाए, क्या कहेंगे? मुकुल जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि
आज की जो यंग जनरेशन है, अगर वो स्पोर्ट्स की दुनिया में आ रही है, जैसे कबड्डी खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेलता है, तो वो आज के यूथ के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जो है स्पोर्ट्स के लिए बाहर आ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। और माँ शूलनी का ये जो मेला है, शूलनी फेयर, इसमें आपको 3 दिन तरह तरह की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कबड्डी भी बहुत बड़े लेवल पे होगी, कुश्ती भी होगी, और साथ में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, सांस्कृतिक संध्याएं होंगी। तो कुल मिला के 3 दिन आपको फुल एंटरटेनमेंट शूलनी मेले में मिलने वाला है। सांस्कृतिक संध्या की आपने बात की, आप लोगों को बताना चाहेंगे सांस्कृतिक संध्या में आज हमारे बीच में हंसराज रघुवंशी, बाबा जी के नाम से बहुत मशहूर हैं, वो यहाँ पर होंगे और हंसराज रघुवंशी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। 2019 की बात मैं याद करूँ तो उस समय पर लास्ट में अनुज शर्मा आए थे, लेकिन उससे पहले जो उनसे पहले का एक था वो हंसराज रघुवंशी ने किया था, कम समय मिला था, इस बार ज्यादा समय की उम्मीद है। और हंसराज रघुवंशी उस समय से अब तक अगर बात करें तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर ख्याति बना चुके हैं। मुकुल भाई, जैसे कि आपने बोला कि आज की जो पहली शूलनी मैया की पहली सांस्कृतिक संध्या है, इसमें एक हमारे हिमाचल की बड़े कलाकार है, प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी जी तो आने ही वाले, उनके साथ दिलीप सिमोरी, इंडियन आइडल फेम अंकुश भारद्वाज भी आएंगे। आपने कुछ टाइम पहले कोविड के टाइम हंसराज रघुवंशी का इंटरव्यू किया था, तो आप क्या देखते हैं कि उस टाइम और आज के टाइम में क्या फर्क है? अब उनको जैसे कि मैंने कहा कि तब हमारे कलाकार थे, प्रदेशी कलाकार थे, लेकिन अब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हो चुके हैं। अभी पीछे जैसे ही उन्होंने ईशा फाउंडेशन पे जाकर भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया था, और देखिए अच्छा लगता है। एक अच्छी बात जो इस प्रदेश के बारे में, इस मेले के बारे में कहें, अभी जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, इनके प्रदर्शन यहाँ पर कबड्डी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ शाम के अगर हम बात कर रहे हैं, जब स्तर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम यहाँ पर कह भी रहे थे, जो हमारे बीच में यहाँ पर लोगों के बीच में ये मैच जो सांस्कृतिक संध्याएं होने वाली हैं, कुछ ही देर में शुरू होने वाली हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो आपने नोटिस किया कि जितने भी यहाँ पर कलाकार हैं वो हिमाचल के हैं, हिमाचल के कलाकारों को तवज्जो दिया जा रहा है। हालांकि जो बाहर के कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन हिमाचली कलाकार आज ये हंसराज रघुवंशी आ रहे हैं। कल हमारे बीच में जो कल हमारे पुलिस बैंड है, हारमोनी ऑफ द पाइंस, और परसों काका बेशक मेन इवेंट कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप शर्मा जी, उनकी नाटियों के बिना तो कोई भी मेला अधूरा रहेगा, क्या कहते हैं जी? कुलदीप शर्मा हमारे नाटी किंग है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है, कुलदीप शर्मा की आवाज के बिना कोई भी नाइट अधूरी है। सो कुल मिला के सोलन की ये जो हमारी 3 दिवसीय नाइट होने वाली है, इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोक गायक है उन्हें तवज्जो जरूर मिली है। हम सीधे सोलन फोटो ग्राउंड से शूलनी मैया का ये जो आज मेला है, 3 दिवसीय मेला है, आज इसका पहला दिन है, आज यहाँ पे लोगों की भीड़, लोगों का जो हुजूम है वो देखने को बनता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये झूला भी लगातार घूमता जा रहा है। अब इस झूले का प्राइस क्या है, बस थोड़ी देर में जानने की कोशिश करेंगे कि आप जब फोटो ग्राउंड में आए तो इस झूले का आपको क्या रेट पड़ने वाला है। आप चाहे कपल के साथ झूले या अपनी फैमिली के साथ झूले, तो जरूर हमारी टीम का ये लक्ष्य रहेगा कि इस झूले तक भी हम पहुंचे। झूले की बात यहाँ पर हुई है, अच्छा लगता है जब झूला जैसे हमें चीजें देखने को मिलती है, बच्चों को खासकर काफी लुभाती है इस तरह की चीजें। बहरहाल अगर बात करें, वापस कबड्डी पे आते हैं भाई, और जैसे कि हमने कहा 50 से ज्यादा टीम है यहाँ पर, एक शिरगुल एम्पायर की टीम है जो राइट हैंड साइड पे है, और एक देलगी की टीम है, मंगला माता देलगी जो उसका नाम है, ये 2 टीमें हैं। देखिए प्रादेशिक टीमें होती हैं, और प्रादेशिक टीमें जब होती हैं, प्रादेशिक भी क्या बोले, लोकल टीमें जो होती हैं, तो उससे एक चीज देखने का बड़ा मजा आता है, क्योंकि जो बच्चे हैं, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये जो पौध है वो अभी लगेगी तभी तो बाद में जाके कुछ बनेगा, और वही अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा, लाइव टाइम्स टीवी की ओर से अमित पुंडीर जी और मुकुलदेव रक्षपति आप लोगों के बीच में है, जो मैच आपके सामने चल रहा है। 1 अंक यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, और बाहर निकाला कोर्ट से ये बताने के लिए कि भाई यहाँ है 1 अंक, यहाँ पर गिरा ना देना। चलिए जी, उम्मीद है आप लोगों को विजुअल यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, अगर क्लियर दिख रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, कुछ दिक्कत आ रही है तो भी हमें बताएं, हम आपके कमेंट्स यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी की ओर से जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, यहाँ पर अमित पुंडीर जी और मुकुल देव रक्षपति आप लोगों के बीच में है, जय माता दी रजनीश जी यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी तरह आप सभी लोग भी जो हमारे बीच में माता शूलनी का जो यहाँ पे जयकारा अवश्य लगाए, और साथ में इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। देलगी और उसी के साथ शिरगुल एम्पायर के बीच में यह मैच हो रहा है, और रेड अच्छी थी पर नहीं, ये तो एक तरह से अंक देने वाली बात हुई, यहाँ पर कोई मौका नहीं था पकड़ने का, लेकिन फिर भी वहां पे प्रयास किया और वो प्रयास जो है फलीभूत नहीं हुआ, अंक मिलेगा यहाँ पर शिरगुल एम्पायर को। क्षमा चाहेंगे, देलगी लेफ्ट हैंड साइड पे देलगी है शायद से, जो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं।
शेरगुल एम्पायर के यहाँ पर प्लेयर यहाँ पर रेड देते हुए अंक मिलेगा। अच्छा यहाँ पर अटैकिंग पोस्चर पर हमारे बीच में देलगी की टीम आ रही है, यहाँ पर नहीं पहुंचने दिया, यहाँ पर मिड लाइन तक अंक मिलेगा एक यहाँ पर देलगी की टीम को। और उसके साथ शेरगुल एम्पायर की टीम के लोग कम होते हुए देलगी की टीम राइडर रेडर वहां पर रेड देने के लिए जाते हुए प्रयास यहां पर अच्छा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि क्या यहां पर अंक निकाल पाएंगे अपनी टीम के लिए। अरे हाथ लगा दिया है और आराम से चलते चलते चले गए, तीन अंक मिले हैं भाई साहब, तीन अंक मिले हैं। ये देखिए इसे कहते प्रदर्शन। और मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा यहां पर जो बच्चे हैं वो शायद से रस्टी, आप देखें ये इजीली वहां पे बीच, ये जो यंग जनरेशन है कबड्डी के शौकीन है, कबड्डी खेल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जो है अपनी एक चीज को चुन लिया है कि हमें जो है अपनी जिंदगी में सिर्फ स्पोर्ट्स ही करना है, और बहुत बड़ी बात है। यहां पर तीन अंक और मिले हैं जो देलगी की टीम है उन्हें, अगर मैं गलत नहीं हूं। अब देखना होगा यहां पर हमारे बीच में शेरगुल एम्पायर यहां पर थोड़ा गिरता हुआ दिख रहा है एम्पायर, हालांकि गिरना नहीं चाहिए, इतना बढ़िया नाम है शेरगुल देवता के नाम पर बनाया गया है टीम का नाम। और इसी तरह के हमारे कबड्डी के मुकाबले पूरा दिन भर चलते रहेंगे और ये जैसे मैं बताया गया शाम 7-8 बजे तक चलते रहेंगे, लेकिन कुछ देर में आप लोगों को लेकर जाएंगे हम मुख्य स्टेज की ओर जहां पर हमारे बीच में सांस्कृतिक संध्या भी शुरू होने वाली है। अभी साउंड टेस्टिंग वहां पर हो रही है। दिल्ली की टीम यहां पर पेयर्स में दो पेयर बनाए हैं और शेरगुल एम्पायर की टीम में इस समय पर ज्यादा खिलाड़ी हैं, वापस जाएंगे खाली रेड, कौन अंक लेगा देखते हैं। आगे हैं दूसरी तरफ को पहुंच चुके हैं रेडर, अच्छा कदमों का प्रदर्शन है यहाँ पर, कोशिश यहाँ पर टो टच की थी लेकिन हुआ नहीं, आराम से यहाँ पर इमीडिएट रेड यहाँ पर दे दिया है एकदम से पीछे दौड़ते दौड़ते, और कई बार अगर पीठ हो अपनी तो यहाँ पर अंक जाता हुआ दिखता है। अंकल टच किया और कोशिश किया है अंकल ब्लॉक यहाँ पर और बड़े आराम से अंक निकाला है, अच्छा डिफेंस यहाँ पर देलगी की टीम की ओर से, अंक निकालेंगे, थर्ड रेड है, अंक लेना महत्वपूर्ण है अगर नहीं तो दूसरी टीम को मिल जाएगा। और अंक निकाल लिया है भाई, थर्ड रेड और अंक नहीं निकाला बल्कि दो अंक निकाले हैं अमित भाई, मजेदार मैच अच्छा है, तेज चल रहा है, लेकिन एक बात और भी रहती है इतने आराम से अंक निकल रहे हैं। कबड्डी में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, पिछले मैच में केवल दो अंकों से ही दूसरी टीम जीती थी। अभी की बात करें तो बच्चे प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं, लड़के हमारे एकदम फिट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, नशे से अरे पूरी टीम ही पड़ गई भाई, कहाँ भागते हैं भाई, जगह कम पड़ गई और जगह कम पड़ी तो सीधी सी बात है अंक यहाँ पर अपनी टीम के लिए देलगी ने निकाला है। और बात करें अब हम एक एक खिलाड़ी बचे हैं, ऑल आउट हो सकते हैं, अरे आराम से यार ये तो गलती हो गई शेरगुल एम्पायर की, तीन अंक मेरे लोना यार यहाँ पे ऑल आउट हो चुके हैं और सारी टीम्स वापस आ जाएंगी। फर्स्ट टाइम आउट यहाँ पर लिया है हमारे बीच में देलगी की टीम ने। स्कोर अपडेट करते हैं आपको, देलगी की टीम मंगला माता देलगी 12-6 से इस समय पर देलगी की टीम आगे है, ये तो डबल एक यहाँ पर जो गैप बन गया है, क्या कहेंगे भाई मुगल भाई, खेल है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल में कोई पता नहीं है, अभी जो टीम 6 अंक पीछे चल रही है क्या पता वो अगले राउंड में इनसे 10 अंक आगे चली जाए, क्योंकि खेल है। जो अभी पिछले थोड़ी देर पहले मुकाबला हुआ था उसमें जो टीम विजयी रही थी वो मात्र 2 अंकों से विजयी रही थी, जो हारी थी वो भी 2 अंकों से हारी थी, तो अब देखते हैं कि ये इन दोनों में से कौन सी टीम आज विजयी रहती है। एक एक अंक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही हमारे अमित भाई ने यहाँ पर कहा है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की टीम अभी तक यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, शेरगुल एम्पायर को गिराने की पूरी पूरी तैयारी है, और जैसे कि एम्पायर एक साम्राज्य को कहते हैं तो अभी जो यहाँ पर साम्राज्य इस टीम का चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। 6 अंक बहुत ज्यादा होते हैं अगर बात करें गैप की, तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन बात करें जो ऐसा नहीं है कि शेरगुल एम्पायर यहाँ पर प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन कई बार जैसे कि हमारे भाई ने अभी भी कहा कि सभी लोगों में प्रतिभा सब में होती है, कईयों की दिखती कईयों की नहीं दिखती, देखिए आउट यहाँ पर दे दिया गया, अंक फिर से यहाँ पर हमारे बीच में मिल रहा है देलगी की टीम को, टाइम आउट लिया है शेरगुल एम्पायर ने, शेरगुल का साम्राज्य का टाइम आउट यहाँ पर हुआ है। और स्ट्रेटेजिकल यहाँ पर जो टाइम आउट होते हैं उसके बाद ये लोग ये ध्यान रखने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर अंक निकाला जाए, क्या आगे की स्ट्रेटेजी बनी।
हंसराज रघुवंशी आज आप लोगों के बीच में होंगे। लाइव टाइम्स टीवी पर आपको सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। अभी मुकुल देव रक्षपति और अमित पुंडीर आप लोगों को कबड्डी के मैच दिखा रहे हैं। सुबह आप लोगों को हमने यहाँ पर दिखाया भी था कि जिस तरह से यहाँ पर माता की डोली उठी, बहुत यहाँ पर देखने की चीज थी। राजकुमार जी जय माता दी, संतराम जी जय माता दी, धन्यवाद सौरभ भाकरी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुंडीर जी आप ही कमेंट कर रहे हैं, कोई अमित पुंडीर और हैं? अच्छा कोई और है, अमित पुंडीर जी के नाम राशि है। और संडे राठौर जी, अब मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ शायद से, आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। कुछ देर में आप लोगों को हम वहां पर सांस्कृतिक संध्या भी दिखाएंगे। अरे 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 क्या बात है, ये तो वॉकिंग यहाँ पर पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। अगर आपने देखा हो अमित भाई, जो हमारी ये दिल्ली की टीम है वो यूं ही नहीं आ गई है, वो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर डोमिनेट। अरे शेरगुल एम्पायर को भी कम आंकड़ा गलत होगा जिस तरह से अभी अंक निकाला, लेकिन जिस तरह से इजीली अंक यहां पर डिफेंस में कहूंगा कि थोड़ा शेरगुल एम्पायर का कमजोर यहां पर दिख रहा है जिस तरह से अंक यहां पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास यहां पर अच्छा। मजे हुए खिलाड़ी हैं, अभी तैयारी है आगे के लिए, बड़ा टूर्नामेंट कभी खेलेंगे, सीनियर भी खेलेंगे और कभी क्या पता है हिमाचल को भी रिप्रेजेंट करें। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। मुकुल देव रक्षपति और अमित पुंडीर आप लोगों के बीच में आज कबड्डी का मुकाबला आप लोगों को दिखाते हुए, अमित भाई क्या कहेंगे, मजा आ रहा है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो लोग इस लाइव स्ट्रीम को घर पर बैठकर देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है तैयार होकर ठोडो ग्राउंड सोन में पहुंच जाइए, क्योंकि यहां पर आज मेले का प्रथम दिन है तो बहुत कुछ है। एक तरफ स्पोर्ट्स भी हो रहा है, एक तरफ झूला भी लगा हुआ है, थोड़ी देर के बाद जो है सांस्कृतिक संध्याओं की भी शुरुआत होने वाली है। जो साउंड सिस्टम है, जो मतलब साज है, उनको आपस में मिलाया जा रहा है ताकि वो जो है जब सिंगर एक एक करके आकर परफॉर्म करे तो उनके सा वाले जो सुर है वो अच्छे से लगे। तो कुल मिला के हमारे इस खूबसूरत ठोडो ग्राउंड में बहुत कुछ है, खाने के लिए भी स्टॉल्स लगे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी टीम का एक लक्ष्य रहेगा कि जो खाने के स्टॉल्स लगे, क्या क्या चीज़ें इस बार मेले में खास लगी है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जी बात करें बिल्कुल सही, एक एक चीज आप लोगों तक पहुंचाएगा। लाइव टाइम्स टीवी आपको दिखाता रहेगा। इट्स किट टू जय शूलनी माता, आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोग यहाँ पर शूलनी माता का जयकारा एक बार अवश्य लगा दें। शूलनी माता की जय का यहाँ पर जो उद्घोष है वो जरूर होना चाहिए कमेंट्स के माध्यम से। आपको मैच तो हम दिखा ही रहे हैं, सीनियर्स का मैच भी होगा तो वो भी बहुत मजेदार होने वाले हैं। कुछ ही देर में आपको सांस्कृतिक संध्या भी दिखाएंगे। स्ट्रीम को जरूर लाइक करें और लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे, कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर जुड़े। यहाँ पर दिनेश गौरजी, इससे पहले कौन सी टीम का मैच हुआ था, या वी कैन टेल यू इससे पहले जो ओज घाट का मैच हुआ था और ओज घाट का घंटी टीम था, मैं उसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, घटी नहीं था गेंटी करके बता रहे थे, वो मैच था, दो अंकों से उसमें घेंटी की टीम जीती थी। और अभी की बात हम करें तो अभी आपके बीच में ओ वाओ सर जी, अभी की आप बात करें तो आपके बीच में जो मैच हो रहा है वो देलगी और मंगला माता देलगी और शिरगुल एम्पायर का हो रहा है। जो अभी टीम है वो देलगी के हैं प्लेयर जो रेड देने के लिए गए हैं और अंक क्लेम कर रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो रेफरी बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, सामने आ गए खुद ही भाई, हमारा हमें हाथ लगा था। तो अमित ठाकुर जी जय माता दी, नैना जी जय माता दी, आप सभी लोग जय माता दी तो जरूर लिखिए, उसी के साथ स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, लाइक का बटन तो लगातार दबाते रहे। और बहुत मुकाबले हमारे बीच में, अब हम ये नहीं कर सकते कि ऑफिशियल्स को हटा दे, क्योंकि ऑफिशियल जो है उनका काम उनको करना होता है। पहला राउंड क्षमा चाहेंगे, पहला सेट यहाँ पर खत्म हो चुका है, पहला हाफ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और पहले हाफ के समाप्ति पर क्या स्कोर है, चले फिर क्या है, 18 पे देलगी है जितना हम समझ पा रहे हैं, 11 पर इस समय पर हमारे बीच में शिरगुल एम्पायर है 18-11 के स्कोर पर। यहां से अगला राउंड अब स्टार्ट, अगला सेट यहां पर स्टार्ट, अगला हाफ यहां पर स्टार्ट होगा। और जो फिलहाल के लिए है हमारे लड़के लोग हैं वो थोड़ा सा यहां पर स्ट्रेटेजिकली अपने आप को यहां पर सोचेंगे कि क्या करना है। दिनेश गौर जी आपका भी धन्यवाद, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा जी, स्ट्रीम शेयर करते रहिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, आप लोगों को यहाँ पर अपडेट हम देते रहेंगे। 18-11 से शिरगुल एम्पायर इस समय पर आगे है और जैसे कि अमित भाई ने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ पर हमारे जो
थोड़ी देर में सांस्कृतिक संध्या शुरू हो जाएंगी, साउंड टेस्टिंग हो रही है। अमित भाई खुद से यहाँ पर हमारे रेडियो के बैकग्राउंड से आते हैं, अमित भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर होता है साउंड टेस्टिंग वगैरह का। हम शेरगोल एम्पायर अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पे मंगला माता देलगी। शेरगोल एम्पायर की यहाँ पर रेड पीछे है 18-11 से, 11 अंक इनके पास है, 18 यहाँ पर जो देलगी मंगला माता देलगी की टीम के पास है। और फिर से जरा ऑफिशियल बीच में आ जाते हैं, उनका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा यहाँ पर प्रयास है, अंक क्लेम कर रहे हैं, अंक है, अंक मिलेगा, 12वां अंक अपने लिए अर्जित किया यहाँ पर शेरगोल एम्पायर ने। देलगी की टीम फिलहाल पहले सेट में तो यहाँ पर अच्छे अंक बना लिए, दूसरे अंक में देखते हैं। हमारे बीच हमारी यहाँ पर एंकर वर्षा महंत जी भी पहुंची है, कबड्डी की बहुत फैन है और जब कबड्डी देखती है खुद भी, वो अपने समय में भी कबड्डी खेला करती थी, उनकी टांगें टूट गई थी और वो भी अभी हमारे बीच में है। कल महिलाओं का मैच जो होगा उसमें वही आप लोगों को यहाँ पर मैच दिखाएंगे, जो कुश्ती भी होगी वो भी। अरे क्या बात है, प्रयास अच्छा था लेकिन नहीं, बोनस और 2 पॉइंट यानी 3 अंक यहाँ पर इजाफा होगा शेरगोल एम्पायर के खाते में। शेरगोल एम्पायर यहाँ पर अपने साम्राज्य को बढ़ाता, अरे नहीं नहीं ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्या आराम से, मैंने कहा था अमित भाई ये वॉकिंग यहाँ पर अंक निकाल रहे हैं जो मंगला माता देलगी की टीम है और करीब अगर मैं गलत नहीं हूँ 20 अंकों के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, 2 अंक और, 2 अंक और यहाँ पर मिल रहे हैं, बाहर चले गए थे जी ऐसा बताया जा रहा है टेक्निकल। अरे ये वहां, यहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल होगी भाई, यहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल होगी, यहाँ से वापसी नहीं मिलेगी। 1 अंक और यहाँ पर मिला है, जो हमारा शेरगोल एम्पायर है फिर से एक बार ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो दूसरी टीम हमारे बीच में है यहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन तो कर रही है लेकिन एक तरफा मुकाबला रह गया। अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जो है विजयी रहती है, क्योंकि कहते ना कि जिंदगी में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में अगर हार भी आए तो एक दिन जीत भी जरूर आएगी। सीधे हमारी टीम का भी एक ही लक्ष्य है कि मां शूलनी का ये जो 3 दिवसीय मेला है, आज इस मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत थोड़ी देर के बाद होने वाली है और एक से एक बढ़कर जो कलाकार है वो इस जो मां शूलनी का ये स्टेज है इस पर आकर परफॉर्म करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अगर आप सोलन के आसपास हैं और अभी तक अपने घरों पे हमारा इस लाइव को देख रहे हैं, आप जो है इस लाइव को भी देखते देखते ठोटो ग्राउंड जरूर पहुंच जाइए, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। खाने की बात करें तो वो भी है, शॉपिंग की बात करें तो वो भी है, स्पोर्ट्स की बात करें तो वो भी है, झूला भी आपके लिए जरूर है। और थोड़ी देर के बाद जो है सांस्कृतिक संध्याओं की, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं, हंसराज रघुवंशी बाबा आने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात, सुपर टैकल, 2 अंक मिलेंगे, क्या इस तरह से यहां पर लोगों को आनंद आ गया ये देख के। शेरगोल एम्पायर अंक निकालने के लिए हिमांशु, 1 नंबर टी शर्ट, अगर अपनी ही टी शर्ट पहनी और यही नाम है तो अरे अरे अंक नहीं मिला, खाली रेड यहाँ पर शेरगोल एम्पायर का, केवल 3 खिलाड़ी रह गए हैं और बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं हमारी दूसरी टीम देलगी का मंगला माता देलगी। और मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं जो बड़ी गलत तरह से बैठे हैं, उसकी ओर भी हम आपको कैमरा दिखाएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, सुरक्षा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं रखी लेकिन लोगों को भी अपना यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है। किसी ने अरे अरे पहुंच गए भाई, अपनी टीम के लिए अंक निकाले, कितने अंक निकाले हैं, 2 अंक यहां पर मिलेंगे भाई शेरगोल माता को, शेरगोल एम्पायर को क्षमा चाहेंगे, इनको बिठा दो आप करो, नहीं इनको नहीं भाई, आगे निशु भाई, आप निशु भाई बैठो बैठो, आप ये मैंने जाना था इधर को यार। सो आप जो स्टेज से सीधी किसी होस्ट की आवाज सुन रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को और फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपका यहाँ पे होने वाला है।
सोलन ठोडो ग्राउंड से एक्सक्लूसिव एंड लाइव। मुकाबला चल रहा है इस वक्त शिरगुल एम्पायर और दिल की टीम के बीच में। इसको रखो संभाल के अपने आप अपने पास। एवेंजर राजगढ़ की टीम के बीच में मुकाबला, दोनों टीमें कोर्ट के नजदीक आ जाए के तुरंत एक मिनट बाद अगला मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके बीच ये मुकाबला शिरगुल एम्पायर एंड देलगी टीम के बीच में। देलगी टीम का जो स्कोर है वो 26 है एंड शिरगुल एम्पायर का जो स्कोर है वो 20 है। तो कुल मिला के अभी जो टीम आगे चल रही है वो दिल्ली की टीम है और अब देखते हैं कि क्या शिरगुल एम्पायर्स के जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्या कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि हार तो हमें अंत तक नहीं माननी चाहिए। बात करें दिल्ली टीम के खिलाड़ियों की तो उनका प्रदर्शन जो है आज देखने को बन रहा है, एक से एक बढ़कर रेट इन्होंने यहाँ पे दी है। सभी खिलाड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो माशाल्लाह बड़ा तगड़ा लग रहा है और मेहनती लग रहे हैं। और उधर जो है अगर हम शिरगुल एम्पायर्स की बात करें तो वो भी मेहनत करे जा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम ज्यादा अंकों की बात करें तो ज्यादा गैप नहीं है, अभी ये कवर कर सकते हैं अगर सारे खिलाड़ी एकजुट हो जाएं, क्योंकि हार हमें जो है एंड तक नहीं होनी चाहिए। बाकी स्पोर्ट्स है, खेल है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल में जो है हार और जीत होती रहती है, कभी जीत आपके साथ होती है तो कभी हार आपके साथ होती है। आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी टीम का एक ही लक्ष्य, ये जो माँ शूलनी का 3 दिवसीय मेला हो रहा है, इस मेले की एक एक पूरी खबर कि कहाँ पर क्या क्या चीजें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर हम अपने ठोडो ग्राउंड की बात करें तो माशाल्लाह कोविड के 2 साल के बाद ये अपने शूलनी मैया का फेयर हो रहा है और लोगों में जो है उत्साह है, माँ शूलनी का जो आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, आप सभी पर बना रहे और लोगों में उत्साह ये है कि 2 साल के बाद तकरीबन ये मेला हो रहा है माँ शूलनी का और हुजूम तो देखकर बनता ही है। तो बहुत सारे लोगों को हम देख पा रहे होंगे झूले में जो है लगातार एक घड़ी के लिए भी। मैं अपने जो हमारे इस स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट निशान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार झूले का जूम करके व्यू जरूर दिखाया जाए, क्योंकि इस झूले पर भी हमारी टकटकी बार बार लगी हुई है, क्योंकि ये झूला लगातार नहीं रुक रहा है और आने वाले 3 दिन तक ये झूला नहीं रुकने वाला है, ये कसम है। ये मैच इस झूले का भी बताएंगे आपको कि इसका रेट क्या है और कितने चक्कर ये झूले वाले भाई साहब हमें लगवाएंगे इसमें, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। वाह, मैच होता हुआ शिरगुल एम्पायर्स एंड देलगी टीम के बीच में, क्या गजब की रेड अभी दी। थोड़ी देर के बाद आपको हम स्कोर जरूर अपडेट करेंगे। तो कुल मिला के मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी भी दिल्ली टीम ही आगे चल रही है। आपको मैं बता दूं, मैं अभी बात कर रहा था हार और जीत जो है जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली टीम की तो इनके 27 अंक हो चुके हैं और जो शिरगुल एम्पायर्स है उनके 26 हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये जो है बड़ा मुकाबला होने वाला है और मुकाबला काफी क्लोज आ चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 6-6 अंकों का फासला हो चुका था, लेकिन मैंने कहा था ना कि खेल है, कोई पता नहीं चलता कि कौन सी टीम कब ऊपर आ जाए आगे आ जाए। तो कुल मिला के शिरगुल एम्पायर्स ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया है, गैप इतना था अंकों का लेकिन शिरगुल एम्पायर्स के जितने भी खिलाड़ी है दाद देनी पड़ेगी उनकी, बहुत अच्छी मेहनत की है, क्योंकि कहते ना कि एकता में बल है और ये शिरगुल एम्पायर्स के खिलाड़ियों ने
साबित कर दिया है कि वाकई में एकता में बल है। आप इस लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, रोमांचक होता हुआ मुकाबला। मैं आपको बता दूं, शिरगुल एम्पायर एंड देल की टीम दोनों बराबर हो चुकी है। मैंने कहा था जिंदगी में कभी हार नहीं मानी चाहिए, जो इंसान अपनी जिंदगी में हार मान लेता है वो माशाल्लाह कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। ये जीता जागता उदाहरण है, सबूत है शिरगुल एम्पायर, क्योंकि अंकों का बहुत बेहतरीन गैप था और अब ये दोनों टीमें बराबर आ चुकी है। सोलन ठोडो ग्राउंड से सीधे लाइव एक्सक्लूसिव आपके समक्ष अगर हम बात करें तो दिल की टीम एक अंक आगे बढ़ चुकी है, मे भी शायद। देखिए पहला मुकाबला जो टीम जीती वो भी दो अंकों से जीती, और ये जो टीम विनर रही है देलगी की टीम, ये सिर्फ दो अंकों से विनर रही है। लेकिन कुल मिला के मैं यहाँ पर ढेर सारी तारीफ करना चाहूंगा दोनों टीमों की, और स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा शिरगुल एम्पायर्स की। क्या गजब तरीके से आपने अपना एक खेल दिखाया है, क्योंकि अंकों की अगर हम बात करें तो शिरगुल एम्पायर्स का स्कोर बहुत कम रह गया था, लेकिन टीम के खिलाड़ियों ने एकता में बल जिसे हम कहते हैं वो जरूर दिखाया। मैं दुआ करूंगा कि आपकी टीम जो है आगे जरूर जाए, और माशाल्लाह आप हमारे इंडिया का नाम जरूर रोशन करें, ये भी दुआ करूंगा। सोलन ठोडो ग्राउंड से सीधे लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके समक्ष झूला फिर से दिखाया जाए निशांत जी, क्योंकि इस झूले के मतलब राउंड मानने के लिए आप भी इच्छुक जरूर होंगे। लेकिन कहते ना कि हमें कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने घरों पर बैठे हैं कि आज कौन जाएगा, लेकिन आपको ठोडो ग्राउंड सोलन में आना चाहिए। अगर आप इस झूले का दीदार करना चाहते हैं, इसमें झूलना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सोलन ठोडो ग्राउंड आना पड़ेगा। अब इसका कितना किराया है ये हम आपको थोड़ी देर के बाद पता करने की कोशिश करेंगे, और कितने राउंड यहाँ पर आपको कितने पैसे में लगवाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस 3 दिवसीय मैया शूलनी का ये जो मेला है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है। कबड्डी के मैचेस भी होंगे, कुश्ती भी होंगी बहुत बड़े लेवल पे, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। खाने के लिए भी यहाँ पे ढेर सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो उधर मुझे बहुत सारे बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। शॉपिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत कुछ है। बच्चों के लिए स्पेशली मैं बात करूं तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी झूले भी है छोटे छोटे, और जो बच्चे फन एक्टिविटी करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें यहां पर है। अगर मैं निशान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर एक बार स्टेज दिखा पाए जहां पर जो है सांस्कृतिक संध्याएं होने वाली है, यहां पर जो है साउंड सिस्टम बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, और आज जो मुख्य कलाकार मेन कलाकार आने वाले हैं वो मैं पुनः से आप सभी को बताऊंगा। सिरमौर की बेहतरीन आवाज दिलीप सिरमौर भी आज पहली सांस्कृतिक संध्या में अपना यहाँ पर कार्यक्रम देंगे। अगर मैं बात करूं हमारे हिमाचल प्रदेश के ही इंडियन आइडल फेम अंकुश भारद्वाज भी आपको इसमें पहली सांस्कृतिक संध्या में जरूर दिखाई देंगे, जरूर सुनाई देंगे। एंड अगर मैं बात करूं हमारे ही हिमाचल प्रदेश की आन बान शान बेहतरीन आवाज के मसे मालिक प्रसिद्ध गायक हंस राज रघुवंशी जी भी हमारे बीच थोड़ी देर के बाद यानी कुछ एक घंटों के बाद आपको जरूर दिखाई देंगे। तो ये आज के स्टार नाइट के पहले कलाकार जो आज मैया शूलनी का ये जो स्टेज है, मैया शूलनी का ये जो पहली सांस्कृतिक संध्या उसमें परफॉर्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं हमारी टीम का एक ही लक्ष्य है कि इस जो माँ शूलनी मैया का ये मेला है 3 दिवसीय, इस मेले की पल पल की अपडेट हम आपको देंगे, और आज की जो पहली सांस्कृतिक संध्या है उसकी शुरुआत जैसे ही होगी आपको ये और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, हमारे चैनल पे जरूर देखने को मिलेगा। आपको जो है हमारे चैनल को फेसबुक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब अवश्य करना है। हम हैं लाइव टाइम्स टीवी, और सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत जैसे ही होगी हम आपको जरूर वहां से लाइव दिखाएंगे, आपके ये पसंदीदा कलाकार यहाँ पर आकर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये हमारे हिमाचल की ही बेहतरीन आवाजें हैं जिन्होंने अपनी आवाज के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे बाहर विदेशों में भी अपना डंका बजाया है। नमस्ते, अब आप पहले मुझे आप स्क्रीन के पीछे से सुन पा रहे होंगे, मेरा नाम अमित है। आप सभी को सबसे पहले जो है मैं माँ शूलनी का ये जो
तीन दिवसीय मेला है इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुनली मैया से खुद भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा और आपके लिए भी यही दुआ करूंगा कि आपको जो है शुनली माता हमेशा खुश रखे और जो शुनली मैया से आपने प्रे की है, दुआ की है, वो माता रानी अवश्य करे। मैं निशान जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड के 2 साल के बाद इस बड़े लेवल पे ये माँ शुनली का 3 दिवसीय मेला हो रहा है, एक बार लोगों की भीड़, लोगों की हुजूम जरूर दिखाया जाए, क्योंकि पहली दिन जब इतनी भीड़ ठोडो ग्राउंड में दिखाई दे रही है, तो अगर हम बात करें डीसी ऑफिस की, अगर हम बात करें मार्केट की, अगर हम बात करें मॉल रोड की, तो कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। और ये भीड़ जो है डे बाय डे, यानी आज इतनी भीड़ है, कल और होगी, लास्ट वाले दिन बहुत ज्यादा होगी। तो मैं आपको ये कहूंगा, आप इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये जो लाइव स्ट्रीम है ये सभी लोगों तक पहुंच सके। जो लोग अभी, मान लीजिए आप शिमला में, मान लीजिए आप मंडी में, हमीरपुर में हमें देख रहे हैं, लेकिन आप जो है सोलन के रहने वाले हैं और आप जो है माँ शुनली का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मौका आपको कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि 3 दिवसीय जो माँ शुनली का ये मेला है, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बेहतरीन चीजें यहाँ पे, आपको शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी है, आपको झूला झूलना है तो उसके लिए भी है, अगर आप खाने के शौकीन है तो फूड का भी यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो कुल मिला के ये जो 3 दिवसीय माँ शुनली का मेला है पूरा पैक्ड है, बेहतरीन सांस्कृतिक संध्याएं इस बार प्रशासन की तरफ से आपके लिए रखी गई है। मैं आपको जैसा कि बार बार कह रहा हूं, थोड़ी देर के बाद जो है सांस्कृतिक संध्याओं की शुरुआत हो जाएगी और हमारी टीम का एक ही लक्ष्य है, जितने भी चाहे वो अपने हिमाचल के कलाकार हैं, चाहे कोई बाहर से आ रहे हैं, सब आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कहां पर? लाइव टाइम्स टीवी पर। आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। निशान से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, कबड्डी का लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं और कल से जो है कुश्ती की भी शुरुआत भी होने वाली है। तो मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि जितनी भी 3 दिवसीय माँ शुनली का ये जो मेला है, इस मेले में जितनी भी मतलब 3 दिन एक्टिविटी चलेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फूड को लेकर हो, चाहे वो सांस्कृतिक संध्याओं की हम बात करें, तो हर जगह की पल पल की अपडेट हम आपको जरूर देंगे। हम है लाइव टाइम्स टीवी, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं निशान जी। थोड़ी देर के बाद मुकुल देव रक्षपति भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये लाइव मैच आप देख रहे हैं कबड्डी का, पिछले जितने भी 2 मैच हुए, दोनों टीमें जो है जो विजेता रही है वो मात्र 2-2 अंकों से रही है। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि हार और जीत जो है जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हम इंसानों का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि हमें जो है ऊपर वाले से, माँ शुनली से एक ही प्रे करने चाहिए कि हम जो है हार नहीं। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अभी कौन सी टीम आगे चल रही है? अभी इक्वल मैच है, ये तीसरा मुकाबला है कबड्डी का, भोजनगर और राजगढ़ टीम के बीच में होता हुआ ही मुकाबला। तो चलिए ये देखिए क्या गजब का उठाया है और इन्होंने भी मेहनत की, अच्छी रेट दी, चाह रहे थे कि मैं 2-3 खिलाड़ियों को आउट करूं, लेकिन कहते ना कि जो किस्मत को मंजूर होता है वो जरूर होता है। तो जिस तरह से हमने बार बार आपको बताया कि कोविड के 2 साल तक हम ये माँ शुनली का मेला इस तरह से नहीं मना पाए थे, लेकिन कहते हैं कि टाइम जो है, वक्त जो है वो गुजर जाता है, आज वो दौर आ चुका है जब हम इतने बड़े लेवल पे माँ शुनली का ये जो 3 दिवसीय मेला है, इसमें रौनक जो है पहले ही दिन देखने को मिलती है। कल भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, परसों भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आप अगर बाहर है कहीं पर भी और आप आना चाहते हैं इस शुनली मेले में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें करने को मिलेंगी, खाने को भी मिलेंगी। अगर हम सांस्कृतिक संध्याओं की बात करें तो उधर सांस्कृतिक संध्याओं की शुरुआत हो चुकी है। कोई सिंगर तो आए हैं, मुझे उनका नाम नहीं है, वो एक ओल्ड सॉन्ग जो अपना रेट्रो सॉन्ग है वो गुनगुना रहे हैं कि चौधरी का चांद हो तुम, कुछ ऐसे ही लिरिक्स हैं इस गाने के। तो थोड़ी देर के बाद हम आपको स्टेज के पास भी लिए चलेंगे। ये मुकाबला भोजनगर टीम और राजगढ़ टीम के बीच में होता हुआ, थोड़ी देर के बाद हम आपको
ये जो मुकाबला हो रहा है कौन सी टीम आगे चल रही है स्कोर अपडेट भी जरूर बताएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्ते, मेरा नाम है अमित, हम है लाइव टाइम्स टीवी और थोड़ी देर के बाद सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन जो आज के स्टार नाइट कलाकार है, जैसे कि मैं आपको अगर पुनः से बता दूं कि आज हमारे बीच जो स्टार कलाकार है दिलीप सिरमौरी, इंडियन आइडल फेम अंकुश भारद्वाज, ये हमारे हिमाचल की ही बेहतरीन आवाज के मालिक है, मुंबई तक अपना जलवा बिखेर चुके हैं और अब जो है जब इंडियन आइडल के बाद वापस आए थे उसके बाद तो माशाल्लाह इन्होंने एक के बाद एक कॉन्सर्ट करने शुरू कर दिए थे, अपने इंडिया में ही नहीं बाहर अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर भी अंकुश भारद्वाज की बहुत बड़े दीवाने हैं, इनके फैंस हैं। उसी तरह से अगर मैं आऊं अपने हिमाचल की बेहतरीन आवाज के मालिक बाबा हंसराज रघुवंशी जी, इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि हमें खुशी होती है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो कलाकार है वो इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये आवाज़ जो है अगर मैं बात करूं हंसराज रघुवंशी जी की तो ये आवाज़ हमें हिमाचल इंडिया के हर सिटीज़ में सुनने को मिलती है, इवन फॉरेन में तो बाबा जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि अगर आप इन कलाकारों के फैन हैं, अगर आप हंसराज रघुवंशी के फैन हैं, अगर आप इंडियन आइडल फेम अंकुश भारद्वाज के फैन हैं, अगर आप दिलीप सिरमौरी के फैन हैं, आप जो है इन्हें देखने जरूर थोडो ग्राउंड सोलन में पहुंचे, क्योंकि ये कलाकार कुछ एक घंटों के बीच हमारे बीच होंगे और अपनी आवाज में आपको एक से एक बढ़कर बेहतरीन प्रस्तुतियां जरूर सुनाएंगे। ये आज के पहली सांस्कृतिक संध्या के मेन कलाकार है और आपको मैं बता दूं कि अगर आप कहीं दूर बैठे हैं और आप जो है अपने फोन पर ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज लाइव टाइम्स टीवी को लाइक करना होगा, यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लाइव टाइम्स टीवी के पेज को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप इन बेहतरीन कलाकारों को अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे, क्योंकि हमारी टीम का एक ही लक्ष्य है कि सोलन का ये जो शूनली तीन दिवसीय मेला है इस मेले की पल पल की जो अपडेट है वो हम आप तक जरूर दें। अभी फिलहाल अपडेट आपको करना चाहूंगा, ये जो मुकाबला आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राजगढ़ वर्सेस भोजनगर के बीच में होता हुआ, ये देखिए बेहतरीन रेड और अब एक को आउट किया है कि दो को, स्कोर जानना चाहूंगा सर। 9-11 और हाँ हमें फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। राजगढ़ एंड भोजनगर टीम के बीच में ये मुकाबला होता हुआ, मेले की पल पल की अपडेट हम आपको जरूर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तीन दिवसीय ये जो माँ शूलनी का शूलनी मैया मेला है, इस तीन दिवसीय मेले में आपको बहुत सारी चीजें देखने को तो मिलेगी ही, अगर आप फूड के शौकीन हैं तो बेहतरीन फूड भी आपके लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं। हमारा वो भी एक लक्ष्य रहेगा कि हम उन स्टॉल्स पे भी आपको जरूर लेकर जाएं और आप जो है ताकि हमारा फेसबुक लाइव देखकर शूलनी माता के जो मेला है ठोडो ग्राउंड में चल रहा है यहां पर हम आपको जरूर आए। आप इस लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। ये मुकाबला होता हुआ भोजनगर वर्सेस राजगढ़ के बीच में, अब देखते हैं कि ये जो तीसरा मुकाबला है कहीं ये मुकाबला भी जो टीम जीते वो मात्र कहीं दो अंकों से ना जीत जाए, क्योंकि इससे पहले जो दो मुकाबले हुए जो टीम उसमें विजयी रही वो मात्र दो अंकों से जीती है। ये तीसरा मुकाबला है कबड्डी का
भोजनगर वर्सेस राजगढ़ में, राजगढ़ के बीच में होता हुआ। बाकी हार और जीत है, जिंदगी में आते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप जो इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये मुकाबला राजगढ़ वर्सेस भोजनगर के बीच में होता हुआ। थोड़ी देर के बाद हम आपको सांस्कृतिक संध्याओं की जो शुरुआत होगी उसकी तरफ भी लेकर जरूर जाएंगे। आप जो है इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करें। ये झूला आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप ये झूला झूलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ठोटो ग्राउंड आना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि 3 दिवसीय ये जो शूलनी मेला है इसमें आपको एक से एक बढ़कर चीजें देखने को, खाने को, हर चीजें जरूर मिलेगी। जी आप इस स्ट्रीम को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बच्चे जो है उधर थोड़ा सा फन करते हुए। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ इस 3 दिवसीय माँ शूलनी के मेले में आना चाहते हैं जरूर आइए, यहाँ पे आपके बच्चे जो है खुशी खुशी वापस घर जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको इस 3 दिवसीय मेले में दिखाई देंगी। सीधे 3 पॉइंट्स मिले हैं सर। स्कोर क्या हुआ है? 27-20 राजगढ़ और इस वक्त 27 हो चुका है और भोजनगर का 20 हो चुका है। तो कुल मिला के जो है काफी अंकों का गैप पड़ चुका है और 28 राजगढ़ 28 एंड भोजनगर 20। अब देखते हैं कि क्या भोजनगर की टीम 8 अंक और अर्जित कर पाएगी। तो मैं पिछली बार भी कह रहा था जो सेकंड मुकाबला हुआ था उसमें जो शिरगुल एम्पायर्स थे उन खिलाड़ियों ने एकजुटता दिखाई और वो काफी नजदीक पहुंच गए थे, मात्र 2 अंकों से वो हारे हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो राजगढ़ की टीम आगे चल रही है, भोजनगर की टीम पीछे चल रही है। तो आप इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर। भोजनगर टीम की तरफ जो है कैमरा घुमाया जाए क्योंकि भोजनगर टीम के जो कोच है वो उन्हें समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको जो है कि तो फिलहाल देखते हैं कि भोजनगर के जो कोच साहब है उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को कौन से टिप्स दिए हैं, क्या भोजनगर की टीम कमबैक कर पाएगी, ये तो बस थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हम आपको बताते चले कि भोजनगर एंड राजगढ़ टीम के बीच में ये मुकाबला होता हुआ। और उधर जो है कल्चरल एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद वहां भी आपको हम जरूर लिए जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, जैसे ही ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपको आज की जो सांस्कृतिक संध्याएं होनी है उस तरफ लिए जाएंगे, क्योंकि आज जो है माँ शूलनी का ये जो 3 दिवसीय मेला है आज इसका पहला दिन है, पहली सांस्कृतिक संध्या है। और पहली सांस्कृतिक संध्या में जो है एक से एक बढ़कर कलाकार आने वाला है और परफॉर्म करने वाला है शूलनी मैया के इस बेहतरीन स्टेज पर। आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जरूर शेयर करें और राजगढ़ टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन
प्रदर्शन करते हुए। चलिए ये मुकाबला आप देख रहे हैं दिनेश जी, राजगढ़ वर्सेस भोजनगर के बीच में ये मुकाबला हुआ था और राजगढ़ की टीम इसमें जो है विजयी रही है। राजगढ़ टीम का स्कोर 46 रहा है और भोजनगर टीम का स्कोर 30 रहा है। कुल मिला के भोजनगर टीम के खिलाड़ियों को भी बहुत सी मुबारकबाद देना चाहूंगा। हारे बेशक है लेकिन आपने मेहनत जरूर की है तभी आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और तो आपके समक्ष सीधे सोलन ठोडो ग्राउंड से लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप सभी के समक्ष ये देखिए सामने जो टीमें जीती है ये प्राइज जो है उन्हें थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। तीन मुकाबले अभी तक हुए हैं, ये वाला मुकाबला थोड़े अंकों से जो राजगढ़ की टीम जीती है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश की बेहतरीन आवाजें इस स्टेज पर आकर परफॉर्म करने वाली है। दिलीप सिरमौरी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इंडियन आइडल फेम अंकुश भारद्वाज भी हमारे बीच होंगे। अगर आप अंकुश भारद्वाज के बहुत बड़े फैन हैं तो आपको जो है ठोडो ग्राउंड जरूर आना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस को जरूर देखना चाहिए। अगर आप हमारे ही हिमाचल की आन बान शान बेहतरीन आवाज के मालिक बाबा हंसराज रघुवंशी के बहुत बड़े फैन हैं तो आप उन्हें देखने आज जरूर आए। पहली सांस्कृतिक संध्या में थोड़ी देर के बाद ये मेन कलाकार जो है आकर परफॉर्म करेंगे। आप जो है देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया है निशांत जी ने। आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि ये जो आज का पहला तीन दिवसीय मेला है, पहली जो आज का ये दिन है ये कैसा रहा। आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं सीधे स्टेज से जहां पर सांस्कृतिक संध्याओं की शुरुआत हो चुकी है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी और इसे जो है इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। नमस्ते, मेरा नाम है अमित।